ये काई इसे बोलते हैं, KHI, और ये मैग्नेटिक सेप्टेबिलिटी हुआ I/H। ये एक हमारे पास फार्मूला बना, ये लिखा जाता है इसको मैग्नेटिक ये मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है, कितना वो ससेप्टेबल है। ये बच्चों मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी हो गई, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, आई और एच के रेशियो पे डिपेंड करेगा। तो आई प्रोपोर्शनल टू एच, आई बाई एच इक्वल टू मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। अब अगर इस मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब है कि वो मैग्नेट बनेगा। अब जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना अच्छा मैग्नेट बनेगा। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब ये मैग्नेटिक मटेरियल है, ये मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेट इसको बनना है। जैसे कोई क्लास चल रही है उसमें बच्चा बैठा और उसको लगा कि क्लास में ज़रा सीखा जाए, इसका मतलब वो डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। और क्लास में बैठा इसके बाद उसका मन नहीं लग रहा है, बोला कि अब तक रोड पे टहलते घूमते कहीं पार्क वर्क में आगल पागल देखे होते, कुछ देखे होते, तब इसका मतलब वो मैग्नेट नहीं बनेगा, वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा। क्योंकि वो जैसे ही बैठा उस फील्ड में वैसे उसमें क्या आ गया, नेगेटिव। यही ईश्वर की कृपा हो गई उसके ऊपर। इसके बाद वो बाद में चुरमुरा उरमुरा बेचता है पार्क के अगल बगल खड़ा होके, इसे तो बेचता है। तो अब ये वाला जो अगर नेगेटिव है तो एंटी मैग्नेटिक है, इसे हम लोग बोलते हैं एंटी मैग्नेटिक। वो मैग्नेट का अपोज करेगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा, एंटी मैग्नेटिक मटेरियल्स। और इस एंटी मैग्नेटिक मटेरियल्स में जो हमारे सिलेबस में है वो डायमैग्नेटिक है, और मैग्नेटिक में जो है वो मेरे सिलेबस में, अपने सिलेबस की बात करें तो पैरा और कामा फेरो बहुत मैग्नेटिक मटेरियल होता है। आपका सिलेबस में बहुत थोड़ा थोड़ा बात लिखा है, क्योंकि बच्चे लोग हो अभी, थोड़ा सा ही सीखो, उतना भी नहीं सीखते हो, ये बात है। तो पैरा मैग्नेटिक और फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स नहीं लिखना है, मैग्नेटिक लिखना है, फेरो मैग्नेटिक, ये बात हो गई। तो ये तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की बात हो गई कि प्लस है तो क्या होगा, माइनस है तो क्या होगा। अब थोड़ा बच्चों आगे और बढ़ा लेते हैं आपको। अब सुनो, अब जो मैग्नेट बना, जो मैग्नेटिक मटेरियल आपने रखा फील्ड के अंदर, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आई वो मैग्नेटिक फील्ड कितना आई, तो B बराबर कितना हो जाएगा, बी नॉट प्लस बी आई। अगर दोनों एक तरफ है तो प्लस होगा, और दोनों अगर अपोजिट हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो B एक्सटर्नल प्लस B इंड्यूस। अब जो एक्सटर्नल है उसकी वैल्यू क्या है, म्यू नॉट एच, बी बराबर म्यू एच। इंटेंसिटी ऑफ क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग, हाँ। और बी आई माने म्यू नॉट आई, आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग, ये एक्सटर्नल फील्ड जो लगाया है और जो मैग्नेट ने उसके अंदर रहकर अपने मैग्नेटिक ससेप्टेबल नेचर के कारण पाया है, लाया है, वो ये है। अब यहाँ पे बी बराबर आप लिखोगे फिर से म्यू एच, बी बराबर क्या लिखोगे, म्यू एच, क्योंकि वो नेट फील्ड तो अब तो मैग्नेट बन गया। जब मैग्नेट बन गया तो भी मैग्नेट बना सकता है, तो मैग्नेट बन गया और थोड़ा बड़ा अच्छा सा मैग्नेट बन गया, अच्छे टीचर से पढ़ा, कुछ अपना भी ज्ञान इकट्ठा किया, बहुत बड़ा टीचर बन गया, अच्छे इंजीनियर से सीखा, अपना भी कुछ दिमाग लगा रहा, बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया,
अच्छे डॉक्टर सीखा, अपना भी कुछ कॉन्सेप्ट सेट किया, बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। तो ये बनने वाला तो बहुत बड़ा ही बनता है, अगर उसमें नेचर है पॉजिटिविटी तो बहुत बड़ा ही बनता है वो। अब यहाँ पे मैंने लिखा है म्यू, क्योंकि म्यू में वैक्यूम नहीं है, एयर नहीं है, बल्कि वो मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल आपने रखा है, आपने कुछ रखा है, निकल रखा है, कोबाल्ट रखा है, ऑक्सीजन रखा है, हाइड्रोजन रखा है, कुछ रखा है, और जो रखा है वो उसका मीडियम का परमेबिलिटी क्या होगा, म्यू, और एयर का क्या होगा, म्यू नॉट। अब बच्चों यहाँ से एच आप डिवाइड कर दो और म्यू अपान म्यू नॉट कर दो और एच को डिवाइड कर दो, तो क्या जाएगा, वन प्लस आई अपान एच। अब इसको आप लोग लिखोगे रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमेबिलिटी बराबर क्या होगा, वन प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। उसी तरह से जैसे आपको मैंने इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी बताया था कैपेसिटर चैप्टर में, और यहाँ पे के लिखा था और इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी बराबर के माइनस वन था, इसी तरह से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बराबर क्या होगा, रिलेटिव परमेबिलिटी माइनस वन होगा। ये म्यू आर हो गया रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी, अब इस रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू माइनस नहीं होगा, ये ध्यान रखना है कि म्यू आर का मान हमेशा पॉजिटिव होगा, प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी प्लस माइनस दोनों होगा, लेकिन ये वाला पॉजिटिव होगा, म्यू आर नेगेटिव नहीं होता, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रिक में हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को नेगेटिव ही बताया था, और मैंने बोला था कि वो मटेरियल को प्लाज्मा बोलते हैं, याद आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि नेगेटिव नहीं होगा, यहाँ प्लाज्मा प्लाज्मा नहीं बोलेंगे, यहाँ पे म्यू आर का मान हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे एक से बड़ा हो चाहे एक से छोटा हो। अब पॉजिटिव होगा, अब अगर म्यू आर का मान एक से छोटा हो गया, और या तो म्यू आर का मान एक से बड़ा होगा, यही दो बात है, अगर एक से छोटा है तो ये कौन सा मटेरियल होगा, डायमैग्नेटिक, यही सब पेपर में आता है आपके, और अगर एक से बड़ा है तो ये पैरामैग्नेटिक, एक से बड़ा है तो पैरामैग्नेटिक, और कहीं ये म्यू आर बहुत ही बड़ा है एक से, तब वो फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक। मतलब एक से बड़ा दोनों केस में है, पैरा में भी है और फेरो में भी है, डायमैग्नेटिक में एक से कम होगा। अब अगर हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करें तो ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होगा, तो कौन सा मैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक, इसी के बगल में लगा के लिख देता हूँ इधर ही, ये ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होगा और इसमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होगा। ये एक साथ हमने लिख दिया है, तो एक साथ ही जब देखेंगे तो ठीक ही रहेगा। अभी जब मैग्नेटिक मटेरियल की बात करेंगे थोड़ी देर में, तो इसके हम वैल्यू भी लिखवा देंगे, क्या क्या होना चाहिए, किस ऑर्डर का होना चाहिए। तो बच्चों ये तो एक मैग्नेटिक मटेरियल के लिए बात हो गई कि जब हम किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो क्या कैरेक्टर शो करेगा। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आगे बढ़ाता जा रहा हूँ, ठीक है, अब इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। अब ये लिखा जा रहा है मैग्नेट इन
मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस टॉर्क, एक ही लाइन मैंने लिखा जो मेरे काम की बात है, बस उतना ही लिख रहा हूँ। अब मैं ये भी, आप ये भी जानते हैं कि मैग्नेट को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो एक्सपीरियंस फोर्स, फोर्स भी लगेगा और टार्क भी लगेगा। मैंने फोर्स वाली बात नहीं लिया है क्योंकि हमारे सिलेबस में जो है वो बात लिया है। अब सिलेबस में क्या हमारे लिए है, टार्क का इफेक्ट क्या है, टार्क से क्या मिलेगा, उसे देखेंगे। जैसे मान लो ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया और बच्चों ये कोई मैग्नेट है और इस मैग्नेट का ये मैग्नेटिक मोमेंट है, M है और ये B है। ये वाला पोल है साउथ और ये वाला पोल है नॉर्थ और इस मैग्नेट को मैंने एंगल थीटा पे घुमा दिया। तो हम इसे डायरेक्ट ही लिखेंगे। अब जैसे आप लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो डाइपोल में जो टार्क लगता था वो लगता था पी साइन थीटा, क्या लगता था, पी साइन थीटा। और मैं इसको इधर जब घुमा रहा हूँ इधर, तो ये जो मैग्नेट है वो ट्राई करेगा वापस आने के लिए, क्योंकि इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इधर की तरफ और ये इधर की तरफ, तो ये टार्क लगा के क्या करेगा, वापस आना चाहेगा। तो जब वापस आना चाहेगा तो मेरे वाले का उसने क्या किया, अपोज कर गया। ये वापस लौटना चाहता है, ये इसको लौटाना चाहता है। तो ये मेरा टार्क क्या हुआ, एक्सटर्नल, और ये जो टार्क है इसे हम लोग क्या कहेंगे, रिस्टोरिंग, जो वापस लौटाना चाहता है। समझ आया? तो इक्विलिब्रियम में पहले था, थोड़ा सा घुमाया तो फिर वो लौटाना चाहेगा। तो बच्चों जो रिस्टोरिंग टार्क है, जो उसको लौटाना चाह रहा है, वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो लौटाना चाह रहा है, तो टाउ बराबर आप लिखोगे माइनस एम बी साइन थीटा। याद आ रहा है ये बात, जैसे आपने पढ़ा था ना पी साइन थीटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल से कंपेयर करो आप, तो उसी जैसा माइनस एम बी साइन थीटा लिखा है। माइनस साइन इसलिए लिखा गया है कि ये रिस्टोर नेचर है, रिस्टोरिंग की बात हो रही है। रिस्टोरिंग टॉर्क इसलिए माइनस है। अब टाउ बराबर आप लिखोगे आई अल्फा, आई अल्फा बराबर होगा माइनस एम बी इंटू थीटा, थीटा स्मॉल है, तो अल्फा बराबर हो गया माइनस एम बी अपान आई इंटू थीटा, तो अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो जो मोशन है, अगर मैग्नेट को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया और स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया, थोड़ा सा घुमा दिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दिया, तब फिर वो मोशन करेगा और मोशन कैसा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। बच्चों मोशन ये एसएम हो गया। अब अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो टाइम पीरियड क्या होगा, तो ओमेगा बराबर आएगा अंडर रूट एम बी अपान आई, हैंस इसलिए टाइम पीरियड निकाल सकते हैं आप, हैंस टाइम पीरियड टी बराबर टू पाई बाई ओमेगा, तो आई अपान एम बी। बच्चों ये टाइम पीरियड आ गया। अब किसी मैग्नेट को जिसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में, सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सब दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसका टाइम पीरियड क्या है, तो आपको बच्चों ये रिजल्ट आपको आ ही गया। इसमें आई क्या है, एम क्या है, बी क्या है, ये ज़रूर लिख लिया करो, जब भी नोटेशन आए तो उसे लिख लिया करो। अब यहाँ पे आई ना तो करंट है और ना तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, बल्कि आई यहाँ पे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है।
अब यहाँ पे आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यह मैग्नेटिक मोमेंट है और बी मैग्नेटिक फील्ड है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये तो कहानी हो गई, ये आपका रिजल्ट हो गया, रिजल्ट आपको आना चाहिए, कोई सवाल देगा तो लगा लेंगे। इसका यूज़ हम कहाँ पे करेंगे? एक एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में था जिसमें हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो निकालते हैं। दो मैग्नेट है तो उसके मैग्नेटिक मोमेंट का हम कंपैरिजन करते हैं कि किसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा है, किसका मैग्नेटिक मोमेंट कम है। तो इसके लिए हमने एक डिवाइस बनाया है, उसका नाम है मैग्नेटोमीटर। तो अब इसके नीचे लिखो मैग्नेटोमीटर, वही पढ़ाने के लिए इसको पढ़ाया है, वही बताने के लिए, डायरेक्ट बताने के पहले थोड़ा थ्योरी दे दिया। अब आप लिखोगे मैग्नेटोमीटर, बच्चों इस डिवाइस का काम क्या है? यूज टू मेज़र मैग्नेटिक मोमेंट, नाम ही है मैग्नेटोमीटर, मीटर माने मेजर करना, और मैग्नेट का स्ट्रेंथ क्या है? उसकी अपनी मोमेंट है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मैग्नेटोमीटर एक डिवाइस है जिसे हम यूज़ करते हैं, यूज टू मेज़र मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट, एक बार आपसे एक सवाल पूछा है, पेपर में आप देखेंगे तो मिलेगा, उसमें लिखा था कि दो मैग्नेट को ऐसे रखा गया है कि दोनों के नॉर्थ पोल एक तरफ हैं और साउथ पोल एक तरफ है, तो उसका टाइम पीरियड T1 है। और अगर मैग्नेट को उल्टा करके रख दिया जाए कि एक का नॉर्थ पोल दूसरे के साउथ पोल के ऊपर है तो उसका टाइम पीरियड T2 है। अब T1 और T2 में रिलेशन पूछा था कि T1 T2 से बड़ा है, T1 T2 से छोटा है, T1 T2 के बराबर है, ये सवाल था। ये सवाल पेपर में है, आप जब देखेंगे तो पेपर में मिलेगा। और एक सवाल और दिया था, लिखा था कि जब दोनों मैग्नेट का पोलरिटी एक तरफ है, नॉर्थ नॉर्थ, दूसरी तरफ साउथ साउथ है, तो उस समय टाइम पीरियड T1 बराबर 4 सेकंड है। और दूसरे बार जब नॉर्थ और साउथ ऐसे है तो उसका टाइम पीरियड हो गया 5 सेकंड। तो बोला है कि मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो क्या होगा, यही दो सवाल इसमें आता ही है, तीसरा सवाल यहाँ नहीं बनता, दो ही क्वेश्चन आता है, दोनों चाहे जब पूछ ले। और ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 17 है लैब मैनुअल का। अब वो प्रैक्टिकल में आप करते थे, स्कूल में जाके प्रैक्टिकल करते थे, और वो प्रैक्टिकल कैसे करते थे, वो डिवाइस कैसा था, वो आपको दिखाते हैं। आप लोग जब ये बेस्ड कैसा है, टार्सनल पेंडुलम पे बेस्ड है पूरा कॉन्सेप्ट, देखो पहले तो बात समझ लेते हैं कि कैसा वो डिवाइस था। इसमें होता क्या था, लैब में जब आप जाके देखते थे तो उसमें एक ऐसे बॉक्स है, हम दो सेट बना रहे हैं, बाकी एक ही बात दोनों है, ये दो बॉक्स होता था, एक बॉक्स होता था और इसमें हम लोग वैक्यूम, लगभग वैक्यूम क्रिएट कर देते थे या विंडो से सब चारों तरफ से बंद कर देते थे कि एयर वगैरह ना जाए, हवा हवा ना जाए। और एक ऐसे सिलेंडर होता था, ये सिलेंडर होता था, और इसमें एक वायर लगाते थे, ये तार लगता था, और ये एक फ्रेम होता था, ये फ्रेम होता था, और इसी फ्रेम पर हम मैग्नेट रखते थे। मान लो एक मैग्नेट ये रखा,
दूसरा मैग्नेट हम लोगों ने ये वाला रखा, ये दूसरा मैग्नेट है, दो मैग्नेट रख दिया। और ये जो ये ऐसे इसको कांटेक्ट में रखते थे, थोड़ा रुको एक मिनट, ये वाला ऐसे इसको ऐसे पकड़ लेता था, इसको फिक्स कर देता था ताकि ये गिरने ना पाए। ये दोनों मैग्नेट इस पर सपोर्ट में रख दिया। अब यहाँ पे मैंने इसका नॉर्थ पोल रखा, इसका साउथ रखा है, इसका नॉर्थ पोल रखा, इसका साउथ पोल रखा है। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा? साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट M1 हो गया और इसका मोमेंट M2 हो गया। अब बच्चों ये मैग्नेटिक मोमेंट यही M1/M2 निकाला जाएगा। तो दोनों मैग्नेट को मैंने ऐसे लगाया और इसके बाद यहाँ पर एक स्क्रू होता था और इस स्क्रू से इसको आगे पीछे धागे को ऊपर नीचे हम बढ़ा सकते हैं और फिर इसको मैं फिक्स कर देता था। अब फिक्स कर देता था, इसके बाद ये इसको मैं क्या करता था, स्टॉप वॉच ले लेता था और इसको थोड़ा सा डिफ्लेट कर देता था, थोड़ा सा घुमा देता था। और घुमाने के बाद स्टॉप वॉच से हम इसका देखते थे टाइम पीरियड कि जहाँ से गया फिर गया फिर आया, कितना टाइम लगा, फिर गया फिर आया फिर आया, तो ये टाइम पीरियड निकालते थे। अब उसका टाइम पीरियड हम स्टॉप वॉच से निकाल लिया, मेजरमेंट हम क्या करते थे, टाइम पीरियड, और इसका टाइम पीरियड हमें मिला T1, इसका मिला। दूसरी बार फिर क्या करते थे, एक बार वो काम करते थे, इसके बाद उसी ऑपरेटर्स पे हम उन्हीं दोनों मैग्नेट को फिर से लेते थे और ये मान लो कि ये वायर है और ये फ्रेम है। अब फिर वही दोनों मैग्नेट को देखो, फिर मैं बनाऊंगा, ये मैग्नेट एक बार रखा, फिर ये दूसरा वाला मैग्नेट रखा, ये वही दोनों मैग्नेट है बच्चों, वही रखे हैं। इसके बाद इसको मैंने ऐसे पकड़ा दिया, इसको फिक्स हो गया। अब चेंज क्या है कि अगर ये नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ है, तो इस बार उल्टा करेंगे, इधर साउथ है इधर नॉर्थ है, और इसको मैंने यहाँ पे फिर फिक्स कर दिया इसी तरह से, ये फिक्स हो गया। अब इसका टाइम पीरियड निकाला तो टाइम पीरियड T2 आया। पहला सवाल जो पेपर में दिया था वो यही था कि कौन वाला टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, और दूसरा सवाल में पूछा था कि टाइम पीरियड का अगर ये वैल्यू है तो मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो कितना होगा। ये दो क्वेश्चन ही बनता है, तीसरा सवाल यहाँ बनता उनता नहीं है और आपके सिलेबस में एग्ज़ाम में बहुत आता भी है। तो यही सब छोटे छोटे रिजल्ट है जो फ्री में आपको नंबर दे देता है बिना किसी टेंशन का। अब टाइम पीरियड T1 और टाइम पीरियड T2, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड B होती है, इसके अंदर मैग्नेट लगा रहता है, मैग्नेटिक फील्ड इसमें रहता है और ये मैग्नेटिक फील्ड B में रखा हुआ है। बच्चों लोग अब मैं वैल्यू लिखूंगा, आपको बताना होगा। टाइम पीरियड T1 बराबर 2π, फार्मूला बोलो, I माने I1 + I2, भाई दो है ना, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है, छोटा बड़ा मैग्नेट हो सकता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने दोनों का I1 और I2 मान लिया, तो I1 + I2 हो गया, अपान ये दोनों एक ही तरफ है तो M1 + M2, क्योंकि M वेक्टर क्वांटिटी है, एक ही तरफ है तो प्लस हो जाएगा, तो M1 ये हो गया, M1 + M2 × B हो गया। उसका टाइम पीरियड T2 अगर लिखा जाए तो T2 बराबर होगा 2π I1 + I2 अपान M1 - M2 × B हो गया। अब ये टाइम पीरियड में M1 - M2 लिखा है, ठीक है, लेकिन हमें ऐसे लगाना है
और अगर M1 माइनस M2 लिखेंगे तो ये इंश्योर करना पड़ेगा कि M1 की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम ऐसे लिख देते हैं। और अगर ये मान लो कि हमने यहाँ माइनस लगा ही दिया, तब फिर ये हमें दिखाना होगा कि M1 M2 से बड़ा है, तब आप इसको ऐसे लगा देंगे। नहीं दिया है तो डिफरेंस लगा देंगे, लेकिन पेपर में दिया रहता है इसलिए आप ऐसे लगाएंगे। अब बच्चों T1 और T2 में कौन बड़ा है, एक सवाल का आंसर तो निकल गया। अगर अपोजिट पोलारिटी है तो T2 बड़ा है। अब यहाँ पे T1 है और यहाँ पे T2 है, वो बड़ा है। अगर फ्रीक्वेंसी की बात किया जाए तो वो छोटा है। तो तेज ऑसिलेशन किसका होगा, तेज कौन घूमेगा, जब सेम पोलारिटी होगा कि जब अपोजिट पोलारिटी होगा। जब अपोजिट पोलारिटी होगा तो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा और फ्रीक्वेंसी कम होगा, और जब सेम पोलारिटी होगा तो टाइम पीरियड कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। मैंने कहा कौन जल्दी जल्दी घूमेगा, सेम पोलारिटी की अपोजिट पोलारिटी। सेम पोलारिटी तेज़ घूमेगा और अपोजिट पोलारिटी स्लो घूमेगा, समझ आ रहा है। वो टाइम पीरियड का मतलब ये है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखो लिखा हुआ है दोनों जगह, यही सब पूछा जाता है आपको, नीट वाले बच्चों से यही सब पूछा जाता है। और इतनी बात नहीं पढ़े रहते हैं, समझ लो कि इसमें कितना टाइम लगता है, कुछ नहीं, डायरेक्ट सवाल डायरेक्ट आंसर, कुछ नहीं करना है। अब आपको इसमें कैलकुलेशन जो करना है, दूसरा सवाल जो पूछा था कि मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो क्या होगा, अब उसको निकाल देते हैं। बोर्ड पे देख लीजिए सभी लोग, चलो बच्चों अब T1 अपान T2 करो, जरा डिवाइड कर दो भाई T1 अपान T2। अगर टाइम पीरियड का हम रेशियो निकालें, चाहे T2 अपान T2 बड़ा है, कोई भी लिख सकते हो, T1 अपान T2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। T1 अपान T2 लिख दिया, चलो। तो T1 अपान T2 जब लिखोगे तो आपको मिलेगा रूट में M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2। एक बार ही एक सवाल दिया था कि मैग्नेटिक मोमेंट में रेशियो 1 और 3 का है तो टाइम पीरियड का रेशियो क्या होगा। तो 1 और 3 का है तो यहाँ निकाल देना आ जाएगा, ये 3 माइनस 1 हो जाएगा, 3 प्लस 1 हो जाएगा, 1/√2 आंसर हो जाएगा। जाके पेपर में देखना ही क्वेश्चन दिया था। अब एक तो इतनी बात हो गई, दूसरी टीचर ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं, जब रिजल्ट चलता है तो कहीं किसी लाइन को उठा के दे देते हैं। अब इसको स्क्वायर कर दो तो M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2 बराबर T1 स्क्वायर अपान T2 स्क्वायर। बच्चों मेरे को M1 और M2 का रेशियो चाहिए, आप कंपोनेंटो डिविडेंडो करो, कंपोनेंटो माने दोनों प्लस कर दो, दोनों प्लस कर दोगे तो M1 आ जाएगा, दोनों माइनस कर दोगे तो M2 आ जाएगा, और प्लस कर दोगे तो T2 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस कर दोगे ये आ जाएगा। ये मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो है। तो मैग्नेटिक अभी इसमें टाइम पीरियड जो है T2 ज़्यादा है ना, इसलिए ऐसा लिखा है, T2 T1 से बड़ा है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो अगर पूछा गया कि व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट, तो आप सीधे ऊपर क्या लिखोगे, प्लस, और नीचे लिखोगे जो ज़्यादा टाइम पीरियड है उसमें माइनस, ये रिजल्ट हो गया। जब आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर में तो आपको इस तरह के सलूशन तमाम दिखेंगे, एक दो सवाल नहीं दिखेगा, दर्जनों क्वेश्चन दिखेगा, सब में यही यूज़ किया है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ पूछा है। दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट दे दे, एक का टाइम पीरियड दे के दूसरे का पूछे तब भी निकल जाएगा, दोनों टाइम पीरियड दे दे मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो पूछेगा तो भी निकल जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो दे दे टाइम पीरियड का रेशियो पूछे तो भी निकल जाएगा। यही 3-4 बार पूछा गया है, कभी ये कभी वो कभी वो, समझ आया। अब ये रिजल्ट है बच्चों, इस पर कोई सवाल की ज़रूरत नहीं है, सीधे एग्ज़ाम में आएगा, अपना ठीक कर लेना, लगा लेना, पेपर में है, PYQ में है। तो ये कुछ रिजल्ट है ना, कुछ फिक्स्ड क्वेश्चन है, और इसलिए इसको पढ़ाया जाता है कि कम से कम आप लोगों का
ये वाले सवाल सही हो जाए, और टीचर भी इस सब क्वेश्चन को देता है, एक दो चार क्वेश्चन बच्चों के तो सबको आने चाहिए। तो चलिए, ये तो एक इन्फॉर्मेशन कवर हो गई मैग्नेटोमीटर का। अब दूसरा नंबर लिखिए, आगे बढ़ाऊं, ऐसे लिख लो तब आगे बढ़ो। लिखा है, अगर एक सवाल यहाँ पे लिख दिया जाए, इफ रेशियो बिटवीन टाइम पीरियड इज 1:√2, देन रेशियो बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट अगर टाइम पीरियड का रेशियो 1:√2 है तो रेशियो बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट फिगर बना रहेगा, बाकी सब सवाल में रहेगा इन्फॉर्मेशन, तो ये निकालना है आपको, तो निकल ही जाएगा। अब इसका डायरेक्ट आंसर ही बता दो आप। हाँ, अब इसका आंसर मैंने बोला डायरेक्ट बता दो, तो भाई देखो, एक की जगह 1 रख दो, एक की जगह √2 रख दो, जो बड़ा है उसकी जगह √2 रख दो, तो ये हो जाएगा 2-1 और ये हो जाएगा 2+1, तो आंसर क्या हुआ 3:1। सही है, ऐसे ही सब आते हैं, यही सब सवाल है। चलिए, ये अगर हो गया होगा तो आखिरी लाइन इसका लिखेंगे। अब हम मैग्नेट को, मैग्नेटिक निडल को, जिसे बोलते हैं कंपास निडल, उस कंपास निडल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे होंगे, दो मैग्नेटिक फील्ड होंगे, और दोनों फील्ड कैसे होंगे 90 डिग्री पर। तो अगला पॉइंट लिखो, मैग्नेटिक निडल इन ऑर्थोगोनल या इन नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड, मैं लिख देता हूँ, मैग्नेटिक निडल या मैग्नेटिक केवल लिखो, मैग्नेटिक निडल की क्या जरूरत है।